नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। सामान्य विज्ञान विषय के साथ मैं आर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की घोषित परीक्षा के बारे में और विज्ञान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप देखेंगे आगे प्रश्नों के द्वारा प्रश्न भी कराऊंगा, व्याख्या भी कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे सबके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। इसके पहले भी बीओ का बैच संचालित हुआ था, अच्छी तरह से रन किया, जिस बैच में हम लोगों ने उसमें दोस्तों क्लास भी करवाई, क्लास के साथ प्रैक्टिस सेट दिया, टेस्ट सीरीज भी दिया और मैराथन भी दिया। तो आज बिल्कुल उसी तरह से मैं आप कुछ प्रश्नों को और भी करवाऊंगा जिससे कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में आप सभी को बहुत हेल्प मिले। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के सामने कोशिका विज्ञान, जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों पर मैं व्याख्या के साथ आप सभी से चर्चाएं करूंगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कोशिका विज्ञान से हम लोग कैसे कैसे प्रश्न हल करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कार्य एवं कोशिका विभाजन का अध्ययन करती है कहलाती है। यानी कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका के कार्य के बारे में या कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं। जी हां, अगर हम प्रश्नों पर विचार करें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आप सभी से कोशिका के बारे में कि कोशिका है क्या। दोस्तों, हमें पता है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे अणुओं से बनी होती है, कोई मकान छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, कोई रेखा छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। तो कोशिकाओं को सजीव के शरीर की कार्यात्मक, रचनात्मक एवं मूलभूत इकाई कहते हैं। और सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और जिसका वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने दांत की खुरचुनी के अंदर की थी। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कोशिका के कार्य, संरचना या कोशिका विभाजन के अध्ययन की। तो दोस्तों, आपको पता होगा साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कोशिका का अध्ययन कहते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। दरअसल साइटो का मतलब होता है सेल। जो साइटो शब्द यहां दिया गया है आपके सामने, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है, और सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है या छोटा कमरा, स्मॉलेस्ट पार्ट या छोटा कमरा होता है। तो दोस्तों, हमारे सभी सजीवों के शरीर का जो सबसे छोटा भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो साइटोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और यहां लिखा हुआ फाइकोलॉजी, तो ये शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और दिया हुआ है सीरोलॉजी, तो रुधिर सीरम का अध्ययन होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मैं बता दूं आप सभी को कि कोशिका की खोज के बाद निरंतर प्रयास जारी रहा और यह बात है 1838-39 की। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन साहब पादप वैज्ञानिक थे और स्वान एक जंतु वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर के एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइटोलॉजी। दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखी जिसका नाम था साइटोलॉजी, और सबसे पहले इसी साइटोलॉजी में कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी प्रस्तुत की गई, ठीक है ना। तो कोशिका सिद्धांत किसमें आया था, वो साइटोलॉजी नामक पुस्तक में 1838-39 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा।
कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि ब्रह्मांड में या धरती पर जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों का के शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है। कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। जिन जीवधारियों में एक कोशिका होती है उनको हम एक कोशिकी या यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं उनको बहुकोशिकी या मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। जी हाँ, आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यहां पहला ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता है कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता के जनक हैं, और लैमार्क साहब आपको पता होगा कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, लैमार्क हैं। तो दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बिल्कुल आपके सामने है, वो क्या हो जाएगा, स्लाइडेन और श्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न की ओर, और देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न कौन सा है। प्रश्न दिया हुआ है कि किसकी संरचना से यानी किसकी संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझाया जा सका, या निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जी हां, बहुत अगर समझेंगे तो बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न शानदार क्यों है, देखिए कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, कोशिकाएं एक या एक से अधिक होती हैं, जिनमें एक कोशिका वह एक कोशिकी, जिनमें बहुत सी कोशिका वह बहुकोशिकी। तो प्रश्न यहां क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। देखिए, विषाणु बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, मनुष्य और शैवाल, आपको दोस्तों पता होगा कि जीवाणु नील हरित शैवाल या फिर माइकोप्लाज्मा, ये सभी क्या होते हैं, या फिर अमीबा पैरामीशियम युगलिना, ये एक कोशिकीय होते हैं। मनुष्य, बड़े पेड़ पौधे या जंतु, ये बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन यहां पर जो विषाणु है, विषाणु में क्या होता है भाई, ये अकोशिकीय होता है। जब इसमें कोशिका ही नहीं होती तो यह क्या है, यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि विषाणु जीवित और मृत के बीच की कड़ी है। जब यह किसी सजीव के बॉडी में रहता है तो बॉडी के अंदर यह अपने आप को जीवित यानी कि लिविंग बिहेव करता है, और जब यह बॉडी के बाहर आता है तो नॉन लिविंग वाला बिहेव करता है। यानी इसके अंदर दोनों गुण है, जीवित और मृत के गुण है, ठीक है। यह इसमें कोशिका नहीं होती है, और इसके अध्ययन को हम विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रहे, यह जब सजीव के शरीर के अंदर रहता है तो अपने आप को जीवित शो करता है, और जब सजीव के शरीर के बाहर होता है तो मृत दिखाता है। तो जब इसमें कोशिका ही नहीं होती, यही क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्योंकि कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि सभी सजीवों के शरीर में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं, इसमें तो कोई कोशिका नहीं है, यही अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है के उदाहरण है। देखिए, जब हम कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, जब भी हम कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो कोशिकाएं दो होती हैं। सेल कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। उस तरह से दोस्तों, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। एक क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। अगर इन दोनों कोशिकाओं के बारे में बात किया जाए तो देखिए, एक कोशिका ऐसी है जो प्राइमेट होती है यानी प्राइमेटिव होती है। प्राइमेटिव का मतलब होता है आदिम कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं, ये आदिम कोशिकाएं अर्थात बहुत ही पुरानी कोशिकाएं हैं। और जो यूकैरियोटिक अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल नई कोशिकाएं हैं। ये क्या है, नई कोशिकाएं, और ये पुरानी कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे जीवधारी
जो धरती पर सबसे पहले आए थे उनकी कोशिकाएं आदिम कोशिकाएं हैं, प्राइमेटिव सेल्स हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल या माइकोप्लाज्मा। ये ऐसे जीव हैं जिनकी शरीर जिनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमीबा, युगलीना, ये उनके बाद में आए थे, जंतु और पेड़ पौधे उनके बाद में आए थे, तो ये सभी क्या होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, यानी नई कोशिकाएं हैं। तो हमारी भी कोशिकाएं नई कोशिकाएं हैं, जितने पेड़ पौधे हैं उनकी कोशिकाएं नई कोशिकाएं हैं, लेकिन जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, इन सभी की कोशिकाएं क्या होती हैं, पुरानी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 एस राइबोसोम होता है, या कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, केंद्रक अविकसित रहता है, ठीक है, बहुत सारी कमियां होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यहां जो प्रश्न आपका दे रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है, जी हां बिल्कुल दोस्तों, जीवाणु में भी, नीलहरित शैवाल में और माइकोप्लाज्मा, इन तीनों की कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक अस्पष्ट नहीं होता है, और इसमें जो जो जीव द्रव्य होते हैं वो जीव द्रव्य केंद्रक से लगे नहीं होते हैं, और इनमें 70 एस राइबोसोम होता है, कोशिका झिल्ली अस्पष्ट नहीं होती है, तो बहुत सारी कमी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर? चलिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी डी इसमें राइट आंसर है, इसमें सही है। जिस तरह से हम यहां पर इस तरह से बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही हम पूरे सिलेबस पर आप सभी से चर्चा करेंगे। क्लियर? जहां पे आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, चलिए बिल्कुल आपके स्क्रीन पर, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह किसने कहा था? देखिए, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, हर समय कोशिकाएं मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, एक बार अगर छींक देंगे तो लाखों कोशिकाएं मर जाती हैं, और जैसे ही फिर हम आराम से बैठते हैं फिर कोशिकाएं बनने लगती हैं, यानी कोशिकाएं मरती रहती हैं, बनती रहती हैं। स्लाइडेन और स्वान ने जरूर कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के विभाजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बल्कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ बिर्चो। 1855 की बात है दोस्तों, 1855 ईस्वी में बिर्चो ने बताया, बिर्चो ने कोशिका संबंधी अध्ययन की खोज करते हुए बताया कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे आपको पता है जो स्पर्म है ये किसकी सेल है, ये मेल की सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और दोस्तों क्या होता है, ओवम, या तो उसको हम कहते हैं ओवा। अगर हम ओवम की बात करते हैं तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ये ओवम होता है, और जब ये दोनों मिलते हैं फोलोपियन ट्यूब में, ये दोनों अलग अलग कोशिकाएं हैं, यह भी क्या है, सेल है, और यह भी क्या है, सेल है, दोनों अलग अलग कोशिकाएं हैं। जब दोनों मिलती हैं फोलोपियन ट्यूब में तो इनमें होता है फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद जायगोट बनता है। क्या बनता है भाई, जायगोट बनता है, और दोस्तों क्या बनता है, एम्ब्रियोन बनता है, यानी कि एक भ्रूण बनता है, और ये जो भ्रूण है ये क्या है, यह भी एक कोशिका है। यानी अब क्या हुआ, पुरानी कोशिकाओं से मिलकर क्या बन गया, नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यह किसने कहा था, यह रुडोल्फ बिर्चो ने कहा था 1855 ईस्वी में। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, और अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, प्रश्न संख्या 6, पादप कोशिकाओं का वह आवरण क्या कहलाता है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। जी हां, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, खंड शिक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का वह कौन सा भाग है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या केंद्रिका, इनमें से सही क्या है, इनमें से सही क्या है, यह आपको चुनना है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, जो कोशिका झिल्ली है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और कोशिका झिल्ली से होकर के कोई पदार्थ कोशिका में आ सकता है, कोशिका के बाहर जा सकता है, और कोशिका झिल्ली को हम कस्टम स्पेक्टर कहते हैं। कोशिका भित्ति, केंद्रक और केंद्रिका,
देखिए दोस्तों, इसमें कोशिका भित्ति वही भाग है जो किसमें होता है, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है लेकिन पादप कोशिकाओं में होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो यहां कोशिका भित्ति ऐसी भित्ति होती है जो मोटी और मजबूत भित्ति रहती है। यह क्या करती है, यह कोशिका की सुरक्षा करती है, कोशिका को फटने से बचाती है। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो किन किन जीवों में कोशिका भित्ति होती है, देखिए पंजाबी होते हैं वो अपने भाई को क्या बोलते हैं, पाजी कहते हैं। अगर मान लीजिए भाई का नाम सैक हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सैक पाजी, लिखेंगे क्या, सैक पाजी। तो दोस्तों सैक पाजी से क्या होगा, सै से होगा सैवाल और क से हो जाएगा कवक, कवक, ठीक है ना। सै से क्या हो गया, सैवाल और क से क्या हो गया, कवक यानी कि फंजाई, फंगस। पा से हो गया पादप यानी कि पौधा और जी से आपका जीवाणु हो जाएगा। चलिए, यानी शैवाल, कवक, पादप और जीवाणु को छोड़कर किसी भी जीव में, किसी भी सजीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। शैवाल और पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से। कवक की कोशिका भित्ति बनती है काइटिन प्रोटीन से। वहीं जीवाणु की कोशिका भित्ति बनती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो इन सब को छोड़कर और किसी में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति क्या करती है, यह सेल को प्रोटेक्ट करती है, फटने से बचाती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में होता है, कौन सा कोशिका का भाग केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता या एनिमल सेल में अब्सेंट रहता है। ऑप्शन फर्स्ट लाइसोसोम, लाइसोसोम, कवक, राइबोसोम या अलाब्दीज, इसको कहते हैं लाइसोसोम, इसको हम कहते हैं प्लास्टिड, ये होता है प्लास्टिड यानी कि लवक। जी हां, लाइसोसोम, लवक, राइबोसोम या सभी। आपको क्या देखना है कि कौन सा कोशिकांग केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो भाई देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वे हरे रंग के होते हैं, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, इन रंगों के होते हैं। लेकिन हम लोग रंग बिरंगे नहीं होते, लाल पीले नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम लोग कैसे होते हैं भाई, हम लोग या तो काले होते हैं या तो गोरे होते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन पौधे क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो पौधे रंग बिरंगे क्यों होते हैं या हरे रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड यानी कि लवक। प्लास्टिड होता है तीन प्रकार का, पहला है हरित लवक, हरित लवक जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा होता है वर्णी लवक जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है अवर्णी लवक जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन अंग होते हैं, तीन कोशिकांग होते हैं लवक के, तीन प्रकार होते हैं। ध्यान रहे, हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है अर्थात पर्ण हरित होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो संपन्न होती है, इसलिए हम प्लास्टिड को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं, कभी कभी टमाटर भी हरे रंग का होता है तो उसमें उस समय हरित लवक भी होता है। वर्णी लवक, देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है ना, यानी कि पिगमेंट। फलों और सब्जियों में बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे टमाटर का लाल रंग, गाजर का नारंगी रंग, चुकंदर का लाल रंग, हल्दी का पीला रंग। ये रंग क्यों आते हैं पेड़ पौधों में या फलों और सब्जियों में, तो आते हैं वर्णी लवक से। और एक होता है अवर्णी लवक, तो अवर्णी लवक पौधे का वह भाग जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है वह अवर्णी लवक होता है, और ये भाग बहुत अधिक गहराई में पहुंच जाता है, और इस भाग में अवर्णी लवक प्रेजेंट होता है जैसे कि जड़ें।
तो भाई लवक क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और लाइसोसोम को पाचन की थैली, आत्महत्या की थैली, और क्या कहते हैं, और एटम बोम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, लवक। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला, ठीक, यह जो है मुख्यतः बनी होती है किसकी, प्रोटीन की या फिर लिपिड की, या प्रोटीन और लिपिड दोनों की, या कार्बोहाइड्रेट की। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, तो के आर पोर्टर ने सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। तो के आर पोर्टर साहब ने सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। जैसे कि आपने देखा होगा जो चाय छानने की छननी होती है वह भी अर्ध पारगम्य होती है, नेट मछली पकड़ने का जाल अर्ध पारगम्य होता है, आटा चालने की चलनी भी अर्ध पारगम्य होती है। कैसे, जब हम चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती चाय की छननी में और चाय जो होती है वो कप में पहुंच जाती है, यानी ये क्या है, अर्ध पारगम्य, यानी आधा ही जाएगा आधा नहीं जाएगा। तो झिल्ली भी क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। और देखिए यह झिल्ली कैसे बनती है, यह बनती है प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है कि जिसकी मर्जी से ही कोई पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकता है या कोशिका के बाहर जा सकता है। जब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहेगी तब तक कोई पदार्थ ना तो कोशिका के अंदर आएगा और ना ही कोशिका के बाहर जाएगा। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ द सेल, कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ द सेल। कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देना वो क्या होगा, वो होगा सेल मेम्ब्रेन। तो इसको हम कहते हैं कोशिका का कस्टम इंस्पेक्टर। तो राइट आंसर में क्या होगा कि यह बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि नवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिका के बारे में असत्य है। पहले हम यहां पे ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिलहाल पांच ऑप्शन लिए गए इस प्रश्न में। देखिए पहला क्या है, कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में खोजा था, ठीक है। फिर क्या है, अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। फिर सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, या इनकी खोज का श्रेय अल्टमैन एवं फ्लेमिंग को जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है ये सेल का, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अगर हम दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है। बता दूं आप सभी को कि माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है प्रोटीन का, फास्फोलिपिड का, डीएनए और आरएनए का बना होता है, यानी इसमें डीएनए होता है। प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन और फास्फोलिपिड, डीएनए और आरएनए का ये बना होता है। देखिए हुआ क्या था, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो श्वसन क्रिया अंततः कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। पहला पॉइंट दोस्तों देखिए, 1880 में कोलिकर ने क्या किया था, कोलिकर ने खोज की थी, कोलिकर ने क्या किया था 1880 में खोज की थी। और उसके बाद देखिए आप आगे बढ़िए, उसके बाद बात आती है 1890 की, दो साल के बाद, दो साल के बाद 1890 में अल्टमैन साहब ने इसे बायोब्लास्ट कहा था, बायोब्लास्ट कहा था। और नंबर थर्ड, 1896 में सी बेंडा साहब ने
इनका नामकरण किया और कहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, तो 1896 में सी बेंडा ने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किया। और आप सभी को पता होगा कि जब हम श्वसन करते हैं तो हम क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और भोजन के जो अणु होते हैं वो ग्लूकोज में विखंडित होकर के इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनती है। और वही एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी ऊर्जा का प्रयोग हमारे सभी शरीर के सभी अंग कार्य करने में करते हैं। यानी कि यही क्या है, यही हमारा ऊर्जा गृह है, पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल या शरीर का या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं या ऊर्जा का संग्राहक कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो यह संग्राहक भी है या ऊर्जा गृह भी है या पावर हाउस भी है। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें पहला क्या है दोस्तों, सही है कि कोलिकर ने इसकी खोज की थी कीटों की पेशियों में 1888 में। फिर देखिए अल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट कहा था, बिल्कुल सही है। सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, बिल्कुल सही है। इनकी खोज का श्रेय अल्टमैन को और फ्लेमिंग को नहीं जाता है। तो यहां देखिए जो आपका विकल्प है ये आपका डी विकल्प बिल्कुल ये जो है आपका सही हो जाएगा, यानी यही क्या है असत्य है, बाकी सभी क्या है सत्य है। चलें बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा प्रश्न बिल्कुल वही है जो अभी हमने बात की थी आपसे। अभी क्वेश्चन है कि किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं या संग्राहक कहते हैं या संग्राहकार कहते हैं। तो केंद्रक को भाई ये तो कोशिका का सेंट्रल रूम है या कोशिका का मस्तिष्क है या कोशिका का मालिक है। गाल्जी बॉडी इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल या कोशिका का सचिव कहते हैं। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपसे कहा था कि इसी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनती है, इसको हम ऊर्जा गृह कहते हैं। और राइबोसोम इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि 70% प्रोटीन का भंडार राइबोसोम में होता है। तो शरीर कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया है, यह कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट्स कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है या किसमें स्वयं का डीएनए होता है। देखिए दोस्तों यहां न्यूक्लियस दिया हुआ, केंद्रक, केंद्रक भी बना होता है प्रोटीन प्रोटीन लिपिड या प्रोटीन लिपिड के साथ डीएनए और आरएनए से। तो केंद्रक में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी प्रोटीन फॉस्फोलिपिड और डीएनए का बना होता है, इसमें भी डीएनए होता है। और क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक यानी हरित लवक और एक विशेष अंग जो पौधों में होता है यानी इस क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग डीएनए की। डीएनए है क्या दोस्तों, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह लाइफ का ब्लूप्रिंट है, यानी आपके डीएनए से हूबहू आपके जैसा आदमी बन सकता है। तो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। एक्चुअली डीएनए को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी आनुवंशिक क्रियाएं होती हैं सभी आनुवंशिक क्रियाओं को डीएनए निर्धारित और संचालित करता है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1853 में सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और विल्किंस ने एक्सरे के द्वारा डीएनए को सिद्ध किया था। डीएनए के द्वारा हम पैतृकता को सिद्ध करते हैं या आपराधिक मामलों को सुलझाते हैं। डीएनए के परीक्षण के लिए बाल, नाखून, स्पर्म, यूरिन ये सब पर्याप्त होता है। और एशिया का पहला डीएनए बैंक इकरा इंफोटेक एंड ह्यूमन डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया है। और सीडीएफडी सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स
ये कहां पर है? हैदराबाद में है। तो डीएनए के बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम आगे हम लोग करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में क्या होता है? इनका स्वयं का डीएनए होता है। तो डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज के प्रश्न नंबर 12 की ओर। जी हां, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं कोशिका का कंकाल। तो कोशिका का कंकाल यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह क्या करता है? क्वेश्चन आया हुआ था एक बार एसएससी जेई की परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे अंग है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बता दूं आप सभी को, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका और इसके साथ आरएनए, ये तीनों प्रोटीन का निर्माण करते हैं हमारे शरीर के अंदर। लेकिन प्रश्न क्या यहां पूछा गया है कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसका प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहली बात, अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है RER, एक होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक मुलायम होती है और एक क्या होती है? रफ होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। यहां जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? कोशिका के अंदर से प्रोटीन को हर भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस और क्या होगा? वसा का सिंथेसिस, यानी वसा का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण, ये दोनों कार्य कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका जो उचित उत्तर, यहां पर आपका प्रोटीन संश्लेषण और वसा का संश्लेषण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जी हां दोस्तों, गाल्जी काय की उत्पत्ति किस अंग से होती है? देखिए गाल्जी काय को हम कहते हैं गाल्जी बॉडी, इसको हम गाल्जी बॉडी बोलते हैं, या गाल्जी काय को हम लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। गाल्जी काय को लाइपोकांड्रिया भी कह सकते हैं। कैमिलो गाल्जी साहब ने क्या किया था? गाल्जी काय की खोज की थी, और सबसे पहले गाल्जी काय की खोज कहां की गई थी? वह अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर। तो अगर मैं गाल्जी काय की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जब हम निकलते हैं शहर में तो चौराहे पर क्या होता है, जहां चौराहे बड़े बड़े होते हैं, जहां पर सिग्नल होता है, वहां चौराहे के बीच में एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है। वो ट्रैफिक पुलिस पूरे ट्रांसपोर्ट को, पूरे परिवहन को नियंत्रित करता है। अगर वह ट्रैफिक पुलिस न रहे तो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी, जिससे जान माल की क्षति होगी। ठीक वैसे ही जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका में जितने भी अंग होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो ट्रेवल करते रहते हैं। यह जो गाल्जी काय होता है उन सभी अंगों को उनके स्थान पर व्यवस्थित करता है। तो गाल्जी काय को हम कोशिका का सचिव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोशिका का सचिव कहते हैं। और यह कोशिका में होने वाले परिवहन को भी नियंत्रित करता है, तो इसको हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये नाम किसके हैं? ये नाम है गाल्जी काय के, और गाल्जी काय सेल प्लेट का भी निर्माण करता है सेल डिवीजन के समय। इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि, देखिए यहां हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। अगर हम लाइसोसोम के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट पहले आपको यहां पर जानना होगा जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम,
कोशिका में सभी अंग सभी ऑर्गेनल्स बहुत ठीक ठाक रहते हैं और कोशिका में सारा काम अच्छे से चल रहा होता है। जैसे शादी विवाह पर होता है तो शादी विवाह में सब कुछ काम ठीक चलता है, लेकिन दो तीन ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बड़ी जल्दी रूठ जाते हैं, मामा फूफा जीजा, ये सब कब रूठ जाते हैं कोई जान नहीं पाता है। तो ठीक वैसे लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में 24 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो दोस्तों पाचन का कार्य करते हैं, या हम कहते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पाचन की थैली, ठीक है ना। क्या होते हैं इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं। क्या करते हैं भाई, ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं, तो इनको हम कहते हैं पाचन की थैली। कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम से इसके एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, और जब ये एंजाइम बाहर निकल जाते हैं तो ये क्या करता है, स्वतः अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो क्या करता है, स्वतः नष्ट हो जाता है एंजाइम के बाहर निकलने पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। इसको हम आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। और ध्यान रहे, लाइसोसोम जब नष्ट होता है तो नष्ट होकर कैंसर का कारण बनता है, और जब यह नष्ट होता है स्वयं तो नष्ट होता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसको हम एटम बॉम्ब कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, एटम बॉम्ब कहते हैं। इसमें 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो पाचन का कार्य करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाचन की थैली कहते हैं। कभी कभी पूरी कोशिका का पाचन ये सब कर लेते हैं, तो इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। क्रिश्चियन डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। यह पॉइंट आपको आना चाहिए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको हम सुसाइड बैग, डाइजेस्टिव बैग या एटम बॉम्ब कहते हैं। यही कैंसर का कारण भी बन जाता है क्षतिग्रस्त होने के बाद। यह केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। यानी कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन का कार्य करते हैं, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से कोशिका की फैक्ट्री, जितने भी यहां कोशिकांग है इन सभी कोशिकांगों में से प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में हमारे शरीर को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और प्रोटीन जो होते हैं वह नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनका निर्माण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से होता है। 20 प्रकार के प्रोटीन में से 10 प्रकार के प्रोटीन ऐसे हैं जिनका निर्माण शरीर में स्वतः होता है, जो कि अनावश्यक होते हैं, और 20 प्रकार के ऐसे प्रोटीन जो हमको बाहर से प्राप्त होते हैं, खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, वो आवश्यक प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम, आरएनए और अंतःप्रदब्धी जालिका द्वारा होता है, लेकिन राइबोसोम ऐसा भाग है जिसमें पूरे शरीर का 70% प्रोटीन स्थिर रहता है। राइबोसोम पूरी बॉडी का 70% प्रोटीन का भंडार, यानी प्रोटीन का संग्रह कहां होता है, राइबोसोम में होता है, और इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम के अंदर कितना प्रोटीन का संग्रह होता है, लगभग 70%, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलेड ने सबसे पहले राइबोसोम की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले प्रयोगशाला में राइबोसोम का निर्माण नोमुरा ने किया हुआ था। जापानी वैज्ञानिक थे नोमुरा, तो नोमुरा ने इसका सिंथेसिस किया था
प्रयोगशाला में और राइबोसोम की खोज की थी। पैलेट ने राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है और साथ ही साथ पूरी बॉडी के 70% प्रोटीन का भंडार कहाँ होता है, राइबोसोम के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। डीएनए की द्विगुणित रचना यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किसने किया था, ठीक है ना, किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था वाटसन और क्रिक ने 1953 में, वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया और 1953 के लगभग 1956 में विल्किंस ने एक्सरे द्वारा डीएनए का निर्माण भी किया था और इन तीनों को 1962 में एक साथ नोबेल दिया गया था, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए को प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं या डीएनए को आनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं, यह हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है और नियंत्रित करता है। डीएनए अगर बात करें तो डी ऑक्सीडाइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें एसिड होता है 95% और क्षार होता है यानी बेस होता है 5%। एडिनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। यह डीएनए की बात थी। डीएनए के द्वारा हम पैतृकता को सिद्ध करते हैं यानी कौन किसका लड़का है, कौन किसका बेटा है। डीएनए की बात करें दोस्तों, दुनिया में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं हम सभी का 90% डीएनए आपस में मैच करता है। हमारा 90% डीएनए आपस में मैच करता है, इसलिए हमारे पास सबके पास दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, कान, मुंह सबके पास है। लेकिन 10% डीएनए हमारा आपस में मैच नहीं करता, इसलिए सबके व्यवहार अलग अलग है, सबके हाव भाव अलग है, चेहरे की बनावट अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इसमें हीरो है, कोई क्या है। कहने का मतलब यह है कि हमारा 10% डीएनए आपस में मैच नहीं करता, इसलिए हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होते हैं। तो बस ध्यान रहे, डीएनए आनुवंशिकता की इकाई है और डीएनए की इकाई क्या होता है, जीन होता है, और जीन हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। जोहानसन ने जीन की खोज की है और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन का निर्माण किया है प्रयोगशाला के अंदर। तो अगर बात आती है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की, तो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था 1953 में और 1962 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? देखिए दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका होती है नर्वस, जो है नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर। कितनी होती भाई? ये होती है न्यूरॉन की। अगर हम न्यूरॉन के सेल की बात करें तो लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर लंबी सेल होती है न्यूरॉन की, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है ना, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए इसको याद करने के, देखिए एग्जाम आपका करीब है, एग्जाम करीब है, इसलिए याद करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हमारे पास दोनों तरीका होगा तो एग्जाम में कोई भी समस्या हमें नहीं होगी। और आपको पता है कि अब जितना समय है इसमें हमको केवल पढ़ना ही और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के 30-40 दिन पहले जैसी तैयारी होती है वैसी तैयारी अगर हम एक साल पहले करें या 6 महीने पहले करें तो सिलेक्शन हमारा श्योर हो जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, यहां आपको प्रश्नों के द्वारा व्याख्या भी मिलेगी और व्याख्या में जितने भी टर्म्स बनते हैं सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबी कोशिका क्या है? देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी बात की जाए तो जैसे गांव में होता है, गांव मम्मी को माई कहते हैं, छोटी तो छोटकी माई और बड़ी है तो बड़की माई। मान लीजिए कोई छोटकी माई है, उसके पास कोई छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा बहुत शरारती है, वो बहुत ही बदमाशी कर रहा है, तो छोटी माई ने उसको हाथ से मार दिया, वह लड़का नहीं मान रहा है, फिर हाथ से मार दिया,
फिर नहीं मानता है तो फिर हाथ से मारा, और फिर नहीं माना तो पैर से मार दिया। तो हमने कहा कि छोटी माई बस लात मारती है। देखो यहां हो जाएगा छोटी, तो सबसे छोटी कोशिका, और फिर क्या लिखा हुआ है, माई। माई से क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, एक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसको हम पीपीएलओ कहते हैं, दैट मींस प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, करीब 0.2 म्यू से 0.3 माइक्रोन। अब बा से क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, यह पॉइंट बिल्कुल आप सभी के सामने लिखा गया है दोस्तों, क्या है वह, सौ से शुतुरमुर्ग के अंडे की, लगभग 15 सेंटीमीटर शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। और ला से क्या है, सबसे लंबी कोशिका, होता है, और त से क्या है, त से है तंत्रिका, तंत्र की। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी हुई, तंत्रिका तंत्र की हो गई, न्यूरॉन की हो गई, किसकी हुई भाई, यहां पर न्यूरॉन की हो गई। कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है जंतुओं के अंदर, तो जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका हम न्यूरॉन को ही कह सकते हैं, या अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम बात करें कि जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ऑस्टोबुलेसिया, आसिटोबुलेसिया नामक एक शैवाल होता है जिसकी कोशिका सबसे बड़ी पादप कोशिका कहलाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है, केंद्रक है, केंद्रिका है, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है। आपने इसके पहले राइबोसोम पढ़ लिया है, माइटोकांड्रिया पढ़ लिया है। देखिए हम बात करते हैं दोस्तों केंद्रक की, जो केंद्रक होता है कोशिका के बिल्कुल मध्य में होता है। अच्छा आप बताइए कि जब आपके घर में कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है तो वह फैसला कौन करता है। हमारे घर में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला होता है वह फैसला घर के मुखिया करते हैं। शादी करनी है, पढ़ना लिखना है, जमीन लेनी है, घर बनवाना है, घर का बंटवारा करना है, सब घर के मुखिया करते हैं। जिस प्रकार से हमारे घरों में महत्वपूर्ण फैसले मुखिया लेते हैं, उसी प्रकार से कोशिका में भी सभी महत्वपूर्ण फैसले केंद्रक लेता है। कोशिका विभाजन हो तो केंद्रक की मर्जी से होगा, यानी कोशिका में संपन्न होने वाले सभी कार्यों का नियंत्रण और संचालन कौन करता है, केंद्रक करता है। सबसे पहले केंद्रक की खोज, अगर केंद्रक की खोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी 1831 ईस्वी में। तो दोस्तों जो केंद्रक होता है इसको हम कोशिका का मालिक कहते हैं, या देखिए इसको हम सेंट्रल रूम कहते हैं, या इसको कोशिका का मालिक कहते हैं, या कोशिका का सीपीयू भी इसी को कहते हैं, केंद्रक को ही कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी क्या है, यही जो है केंद्रक ही होता है, नियंत्रण केंद्र। कोशिका में होने वाले, संपन्न होने वाले सभी कार्यों का संचालन, सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक में पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, यानी जो यह जो धागा है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क,
और ये बना होता है हिस्टोन प्रोटीन का। कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमैटिन जाल सिकुड़कर टूट जाता है और टूटने के बाद क्या करता है, गुणसूत्रों का निर्माण करता है, ठीक है ना। क्रोमैटिन जाल टूट करके गुणसूत्रों का निर्माण करता है, इसलिए कहते हैं गुणसूत्र जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की थी, नामकरण वाल्डेयर ने किया था, और गुणसूत्र के द्वारा पैतृक गुणों का निर्धारण और लैंगिक लक्षणों का निर्धारण भी होता है। चलिए तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंद्रक, ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। आगे बढ़ेंगे, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता। कहे जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स, वो इस प्रकार से होता है, डबल हेलिक्स। ऐसे तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है और इसका नाम है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें एसिड कितना होता है, एसिड होता है 95%, लेकिन क्षार यानी कि बेस ये कितना होता है, 5%। चार प्रकार के बेस होते हैं, एडिनिन, डबल हाइड्रोजन बांड ग्वानिन, सॉरी यहां पर रहेगा एडिनिन के बाद थायमिन, एडिनिन और थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन। यानी कि चार क्षार होते हैं, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यहां देखिए क्या नहीं है, यूरेसिल, ये आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं है, आरएनए में होता है। और डीएनए में एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन चार प्रकार के हाइड्रोजन जो क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और ये जो एडिनिन है वो थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। क्लियर। चलिए तो इसमें आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, क्योंकि यूरेसिल किसमें होता है, ये आरएनए में होता है। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न क्या है कि गुणसूत्र की खोज किसने की। यानी दोस्तों गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं, क्रोमोजोम। अगर हम बात करें क्रोमोजोम कैसे बना होता है, तो देखो बता दूं मैं आप सभी को, यह बनता है हिस्टोन प्रोटीन का। गुणसूत्र हमारा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और यहां पर एक पॉइंट बनता है कि इसकी खोज किसने की है। तो अगर खोज की बात करूं मैं, तो खोज किया हुआ है स्ट्रासबर्गर ने, खोज किया है स्ट्रासबर्गर। और यही बात आती है नाम की, और नाम किसने दिया हुआ है, नाम इसका दिया है वाल्डेयर साहब ने, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए खोज की, स्ट्रासबर्गर ने क्या किया है, खोज किया है, और अगर बात करें नामकरण की, तो वाल्डेयर ने क्या हुआ है, इसका नाम रखा है। गुणसूत्र के प्रमुख रूप से दो कार्य होते हैं। इसका पहला कार्य होता है पैतृक गुणों का निर्धारण, पैतृक गुणों का निर्धारण, जैसे कि हमारे पिता के, हमारे दादा परदादा के कौन कौन से सिम्टम हमारे अंदर शो करेंगे, कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ये गुणसूत्र ही डिसाइड करता है। या देखिए इसका कार्य होता है कि लैंगिक लक्षणों का निर्धारण, लक्षणों का निर्धारण। दरअसल शरीर की बनावट के हिसाब से महिला और पुरुष क्या होते हैं, लगभग लगभग समान होते हैं, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों में हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल सिम्टम की, तो महिलाएं और पुरुष क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं, मनुष्य में इस बात को तय करने के लिए
46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं महिला में, महिला और पुरुष में। क्लियर। अगर हम बात करें पुरुषों की तो दोस्तों मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है 22 प्लस, और बात करें अगर फीमेल की तो इसमें क्या कितना होता है 22 प्लस, फीमेल की 22 प्लस। यहां देखिए जो 22 है इस 22 को हम कहते हैं समजात गुणसूत्र। समजात का मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम, यानी ऑटोसोमल होते हैं, पुरुषों में भी वही है बराबर है, महिलाओं में भी उतने होते हैं। तो ये महिला और पुरुष दोनों में क्या है बराबर है, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं यानी समजात गुणसूत्र कहते हैं। ये बराबर है इसीलिए शरीर की रचना महिला और पुरुषों की क्या समान होती है, हाथ पैर नाक कान मुंह आंखें सब क्या है समान है, लेकिन पुरुषों में एक्स वाई होता है जो कि लैंगिकता में भिन्नता उत्पन्न कर देता है, महिलाओं में एक्स एक्स होता है। इसलिए पुरुष के लैंगिक लक्षण क्या होते हैं कुछ अलग होते, जैसे कि भारी आवाज, बाल का आना, दाढ़ी मूछों का आना, या दोस्तों जो सेक्सुअल ऑर्गेन होते हैं उनका डेवलपमेंट होना, ठीक है ना। और देखिए महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में ये एक्स एक्स ऐड होता है, और इसी एक्स एक्स से क्या होता है पतली आवाज या दोस्तों वैजिना या फिर जो है अस्तरों का विकास होता है महिलाओं में, गर्भाशय का होना, ये सब क्या होता है महिलाओं में इसका कारक होता है। चलिए तो दोस्तों पुरुष में क्या होते हैं 22 प्लस एक्स वाई, और महिला में क्या होते हैं 22 प्लस एक्स एक्स, ये होते हैं क्रोमोसोम दोनों के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र, तो 48 होते हैं। बंदर में कितने गुणसूत्र, ये 42 होते हैं। घोड़े में कितने क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, 32 जोड़ी होते हैं। कुत्ते में कितने होते हैं, 78 होते हैं। कमेंट करिएगा कि बिल्ली में, बिल्ली के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ध्यान रहे ऐसी कक्षाएं आपकी चलेंगी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, प्रश्नों के साथ संपूर्ण व्याख्या होगी। और दोस्तों ध्यान रहे बैच जो है संचालित है, यदि आपको ज्वाइन करना है या एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको क्या करना है, एंट्री बीओ लिख करके दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद तत्काल ही आपको बैच के संबंधित या बैच से संबंधित या सिलेबस से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।